पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो अब रेगुलर आएंगी, बट वीडियो रेगुलर आ नहीं पाई और अब तो शायद 10 दिन का ब्रेक हो गया है वीडियो में और कुछ ना कुछ इश्यू आता ही रहता है जिस वजह से जो है वीडियोस में इतना ज़्यादा डिले आ रहा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही सारे इशू रिजोल्व हो जाएँ और वीडियो रेगुलर आने शुरू हो जाएँ। और ये वाले फार्म पे मैंने लास्ट वीडियो 5 या 6 महीने पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने जो है लास्ट 2 महीने से ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है और ये वाले फार्म पे तो मैं 5-6 महीने से आया ही नहीं हूँ। और ये काउज जो है इतना ज़्यादा शोर इसलिए मचा रही है क्योंकि इन्हें मैंने एक बार भी खाना नहीं डाला है। जब से मैंने यहाँ फार्म बनाया है तब से एक बार भी इन काउज को खाना नहीं डाला है, तो इन काउज को आज खाना ला के डालना है क्योंकि ये भूखी हैं काफ़ी लंबे टाइम से और इन्होंने कोई मिल्क वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं किया है। और यहाँ पर ये वाला कॉटन का फार्म है जो कि अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है और ये शायद अक्टूबर के मंथ तक रेडी हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कॉटन भी हार्वेस्ट करूँगा। और बाकी इस वाले फार्म पे मैंने 2-3 खेतों में और जो है चीज़ें लगाई थी वो मुझे याद भी नहीं क्या लगाया था, तो शायद मैंने दूसरे खेतों में कनोला लगाया था जो कि मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। और एक घर यहाँ पर जो है अपना ये वाला है जो मैंने बाद में बनाया था, ये अपनी हट बनाई थी रिवर के साइड में और एक घर वहाँ पर सामने है। उस घर के वहाँ पर जो है स्टोरेज की सारी फैसिलिटी है, तो वहाँ पर ट्रैक्टर शायद पार्क को रखा है जिसमें जो है कनोला हार्वेस्ट करके मैंने रखा हुआ है। और ये वाली गाड़ी तो जो है अपनी पानी के अंदर खड़ी हुई है, इसे ज़रा बाहर निकाल दूँ। और ये जो है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये आगे से उठ भी गई क्योंकि इसमें इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा सही लगा हुआ है। इसे पानी से निकाल के यहाँ पार्क करता हूँ और इसे तो फिलहाल यहीं छोड़ देता हूँ। अभी जो है ये वाला ट्रैक्टर भी नहीं चाहिए, अभी मुझे जो है पहले एक बार शोरूम पर जाना है, वहाँ से जो है काउस का फूड बनाने के लिए जो मशीन आती है वो लेके आनी है और उसका सारा रॉ मटेरियल वहीं से उसमें फिल करके ले आऊँगा। और उससे पहले मैं एक बार सामने चल के देख लूँ कि सामने अपने मेन घर की हालत क्या है और वहाँ पे क्या क्या पार्क हो रखा है। तो ये है यहाँ पे मेरा मेन घर और इसमें छोटा सा पूल भी है पीछे, और वैसे तो सामने रिवर है तो पूल की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये यहाँ पर अपना गैरेज है जिसके अंदर जो है काफ़ी सारी अटैचमेंट पार्क हो रखी हैं और ये पहले से मुझे मिली थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला ट्रैक्टर है जिसमें जो है कनोला मैंने हार्वेस्ट करके लोड करके रखी हुई है और ये सामने हार्वेस्टर भी अपना खड़ा हुआ है। और जितना भी हार्वेस्टर अभी निकला है ये वाली क्रॉप मैं सेल नहीं करने वाला, इसको यहाँ स्टोरेज में रख देता हूँ। ये इसमें है, एक ट्रॉली में है और दूसरी ट्रॉली तो खाली है, तो इसे जो है यहाँ पे अनलोड कर देता हूँ। इसके अंदर ये जो साइलोस हैं इसमें जो है स्टोर कर लूँगा और बाद में सेल कर लूँगा, अभी सेल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस यहीं पर इसे खाली कर देता हूँ। और इस ट्रैक्टर की भी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसे प्रॉपर अंदर पार्किंग में पार्क कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाहर पार्क हो रखा था। यहाँ पार्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आराम से इजीली 2 ट्रॉलियाँ अटैच कर रखी हैं, उनके साथ ही आ जाएगा। बस ये हो गया पार्क यहाँ पे और इसका जो है ये वाला गेट बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से पहले एक बार शोरूम चल लूँ और शोरूम तो मैं पैदल पैदल चल लेता हूँ, सामने ही है, इस रोड के एंड पे ही है। और ये वाला खेत भी जो है मेरा ही है, इसमें जो है शुगर केन लगी हुई है और अभी जो है इन्हें तो हार्वेस्ट करने का टाइम नहीं आया। शुगर केन और कॉटन जो है दोनों 2 महीने बाद रेडी होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो तक तो शायद इन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं रोड पर क्यों दौड़ रहा हूँ, साइड में दौड़ता हूँ, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। जब पहले मैं यहाँ पर नया नया आया था तब इतना ट्रैफिक था नहीं यहाँ पर। यही वो रिवर है जो अपने घर के सामने से जा रही है और यहाँ से वो री हट वो दिखती भी है सामने, और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये शोरूम ही है। यहाँ पे ये सारा यहाँ का स्टाफ घूम रहा होगा और ये सामने अपना जो है TMR मिक्सर खड़ा हुआ है, इसी में जो है काउस का फूड बन जाता है और ये सारा रॉ मटेरियल जो काउस का फूड बनाने के लिए काम में आएगा, तो यहाँ से जो है इसमें फिल कर लेता हूँ इन्हें। तो इन दोनों हे बेल्स को डाल देता हूँ यहाँ पे, यहीं से फिल हो जाएगा। और ये मिनरल फीड भी चाहिए, ये मिनरल फीड तो इसके पास यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ से ये पिक कर लेगा, इधर पाइप लगे हुए हैं। तो इसमें पूरा मिक्सचर तो बन गया। और तो इसके अलावा मैंने एक छोटी वाली ट्रॉली भी ली है जिसमें मैं काउस का मिल्क निकाल के सेल कर सकता हूँ और ये काफ़ी छोटी है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसे जो है अपनी गाड़ी के पीछे अटैच कर सकता हूँ। और अभी कमी काउस हैं तो इतना ही मिल्क आएगा, ज़्यादा मिल्क आएगा नहीं, तो इसे तो अभी आके लेके जाऊंगा। और एक ये शायद नई गाड़ी यहाँ पे आई है, ये इधर खड़ी होके देख रही है इसको,
ये गाड़ी तो जो है ये सुजुकी की जिमनी है और ये तो काफ़ी सही लग रही है। इस वाली गाड़ी को भी जो है अभी चला के देख लूँगा, ये शायद टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी हुई है यहाँ पे। तो पहले मैं जरा काउस को खाना डाल के आऊँ, फिर उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे आके। ये खुला नहीं, अच्छा खुल गया अपने आप। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले में दिख रहा है कि पीछे कितना काउ फूडा है, तो ये 26,000 शायद केजी दिखा रहा होगा पीछे। और यहाँ से मुझे काउस के पास जाना है तो सीधे चलता हूँ, सामने ही है। बट ये मिक्सर वाली मशीन शायद रिवर में फंस ना जाए। रिवर इतनी गहरी तो है नहीं, काफ़ी छोटी रिवर है, आराम से निकाल लूँगा यहाँ से, इधर से निकालता हूँ। निकल गई, फंसी तो नहीं। पहले वाला गेट खोल दूँ और वाला गेट भी खोल दूँ, यहाँ से सीधा बाहर निकाल लूँगा इसे। इसके थोड़ा सीधा करके लाना पड़ेगा पीछे से, ये मुड़ नहीं रहा है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। मैं सब खाना यहाँ पे डाल देता हूँ, ये सारा खाना खाली कर देता हूँ, इनके लिए चल जाएगा काफ़ी टाइम तक। हो गया सारा खाना खाली, अब इसे बाहर पार्क कर देता हूँ। और वैसे इस वाली मशीन को जो है मैं रेंट पे लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है और अभी इस वाले फार्म पे ज़्यादा बैलेंस तो है नहीं। कहाँ फंस रही है ये बार बार, ये थोड़ी बड़ी भी है, इससे छोटी ही थोड़ी मशीन आती नहीं है। अगर इससे थोड़ी छोटी आती तो मैं वही लेता, बट यही सबसे छोटा साइज़ था इसमें। मैं इसको पार्क करने के लिए इधर ही पार्क कर देता हूँ या फिर इसके पीछे पार्क कर देता हूँ। बस ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पार्क हो गई। और अब कुछ टाइम बाद ये काउ जो है मिल्क भी देना शुरू कर देंगी, और यहाँ पे जो है इनकी मिल्किंग के लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है, और यहाँ से मिल्क निकल के इस वाले टैंक में आ जाएगा, और यहाँ से मैं जो है अपनी जो ट्रॉली ली है मैंने मिल्क वाली उसमें फिल करके ले जा सकता हूँ और आगे जाके सेल कर सकता हूँ। और अभी उस ट्रॉली को ले आऊँ, और उस ट्रॉली को लाने के लिए एक गाड़ी मुझे चाहिए होगी। वैसे वो नई वाली गाड़ी वहाँ पर खड़ी तो है, अभी उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए उसको फार्म पर ही ले आता हूँ, अब बाद में वापस कर दूंगा प्रॉपर टेस्ट ड्राइव करके, और अगर पसंद आएगी तो शायद रख भी लूँगा। तो ये वाली गाड़ी है, और बाहर से देख लेता हूँ एक बार। बाहर से अलॉय वगैरह सब लगे हुए हैं इसके अंदर, और पीछे भी यहाँ टायर लगा हुआ है, सही लग रही है। इसमें अटैचमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है हुक भी है, तो एक बार देख लेता हूँ इसे। इंटीरियर देखते हैं, इसके इंटीरियर भी काफ़ी सही है, इसके पीछे भी सीट है। अब जरा इसे अटैच करके ले चलता हूँ फार्म पर और इसकी प्रॉपर टेस्ट ड्राइव करूँगा। तो अटैच तो कर ली, और ये मिल्क टैंक जो है अभी तो खाली है, तो इसमें ज़्यादा लोड तो होगा नहीं, बट जब इसे फिल कर लूँगा तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा वजन आ जाएगा। तो एक बार जब काउस मिल्क दे देंगी उसके बाद पूरा फुल भर के इसको फिर टेस्ट करेंगे कि गाड़ी खींच पा रही है या नहीं खींच पा रही। और ये ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं यहाँ पर जो ये बैरियर लगे हुए हैं, और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। और इधर जो है मुझे राइट साइड चलना है रोड के, और इस वाली गाड़ी को मैं पानी से लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है, इसको बाहर से लेके चलता हूँ। ये वाला ब्रिज क्रॉस करके फिर लेफ्ट ले लूँगा। ये खेत भी जो है अपना ही है, यहाँ से खेत के साथ साथ से निकाल लेता हूँ। इस मिल्क टैंक को तो यहीं पर डिटैच कर देता हूँ क्योंकि यहीं पे इसमें मिल्क फिल करना है। और इस गाड़ी को थोड़ा सा अभी रोड पे जाके चला के देखता हूँ, और एक बार इसको पानी में से निकाल के देखूँ
यहाँ से निकल तो जाइए आराम से, ये तो छोटी रिवर ही है। एक बड़ी रिवर भी है यहाँ पे, वो थोड़ी सी दूर है। यहाँ उतार देता हूँ उसे, ज़्यादा ही पानी में चली गई। नहीं नहीं नहीं, ये डूब जाएगी। थोड़ा तेज निकालता हूँ उसे, निकल तो गई। आगे से उठ भी रही है, तो इसका मतलब उसमें पावर तो काफ़ी सही है। और व्हीली मार के देखते हैं इससे। तो सही है गाड़ी तो, ये एक बार इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेता हूँ। इस वाले रोड पे चेक करते हैं इसकी स्पीड। पिकअप तो काफ़ी कम है वैसे। बट 100 तक पहुंच गई, ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से। थोड़ा हिल रही है 100 पे, 130 से ऊपर चली गई। नहीं नहीं स्लो करता हूँ यहाँ पे, मतलब ये इजीली 140 तो पहुंच जाएगी। और इधर से मैं जो है अपने दूसरे खेत को देख भी लेता हूँ। ये वाला खेत है अपना दूसरा, साथ वाला। इसमें जो है अंदर एक जगह है जहाँ पर मैं जो है काओपान बनाने वाला था। एक बार गाड़ी को मैं खेत के अंदर ही घुसा देता हूँ, ऐसे जो है निकल के सीधा मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। मैं इस खेत के बीचों बीच है जगह एक, और ये शुगर केन्स इतने बड़े हो चुके हैं अभी दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा किधर आ गया मैं, गाड़ी नहीं दिख रही। ये बीच में है यहाँ पे राइट साइड में। ये आ गई वो जगह, ये अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ पे मैं जो है काओबान बनाने वाला हूँ। तो इधर जो है अपनी काफ़ी सारी काउस रह लेंगी, और इधर ये एक ऊपर जो है टावर टाइप का सा भी है। यहाँ से चढ़ के मैं देख सकता हूँ, इधर अपने सारे खेत दिख जाएंगे। वो सामने अपना जो है फार्म है, और वहाँ पे जो है गैरेज है, और ये बीच में जगह जो है सारी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर या तो मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गियों के लिए बना दूँ, और इधर हिरण घूम रहे हैं काफ़ी सारे। तो इधर मैं अभी क्या करता हूँ ना, मुर्गियों के लिए बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सारी जो है मुर्गियाँ रह लेंगी, और इसके मैं फेंसिंग कर दूँगा चारों तरफ। तो ये मैंने एक मुर्गियों के लिए बना दिया है, छोटी सी बिल्डिंग लगाई है इसके अंदर। इसमें जो है आ जाएंगी मुर्गियाँ, शायद 50 से तो ज़्यादा ही आ जाएंगी। और ये मुर्गियों के यहाँ पर फेंसिंग हो रखी है पहले से। अब इसके लिए कुछ मुर्गियाँ परचेज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसमें तो 360 आ जाएंगी, अभी 60 ले लेता हूँ, 60 काफ़ी हैं। और 60 मुर्गियाँ डिलीवर हो भी गई होंगी। ये आ गई अभी, ये जो है खेत में शुगर केन रखें तो तुम दिख नहीं रही, ये खेत के अंदर घूम रही है यहाँ पे। अभी जब इसको हार्वेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे इनका एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी देखता हूँ यहाँ पे जो है, अगर ये मुर्गियाँ यहाँ पे सही से रही, मतलब इन्होंने सही से एग्स वगैरह दिए, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जगह है यहाँ पे और भी जो है मुर्गियों के ऐसे छोटे छोटे कूप्स लगा दूंगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो को इतना रखते हैं, क्योंकि जो है अभी हार्वेस्ट करने के लिए खेत रेडी ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक हो जाएंगे, तभी शुगर केन को हार्वेस्ट करूंगा, और कॉटन का भी खेत है उसको भी हार्वेस्ट करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।